होता है, किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे, ठीक है, किस प्रकार का वस्त्र पहनते थे, इससे उस समय के सांस्कृतिक उत्थान के बारे में जानकारी पता चलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो सभ्यताएं हैं, बड़े ध्यान से आप डिस्कशन को बड़े ध्यान से सुनो। कोई जो है वो जानवरों की छाल और ये सब पहन के घूम रहा है, और एक सभ्यता है जहां पर वो कपास से सूत निकालने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, और उस सूत से वुवेन यानी बुने हुए कपड़े वो पहन रहे हैं, उसमें भी वो रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, पच्चीकारी का प्रयोग कर रहे हैं। अब जरा इसका अंतर समझो, ये सभ्यताओं की यानी कल्चर के उत्थान का विषय होता है कि कल्चर कैसे आगे जा रहा है। अरे फटलिया जींस के चक्कर मत पड़ो, ये भी आजकल का कल्चर है। पहले तो ये था, जैसे समय के साथ ये क्या होता है, एडॉप्टेबिलिटी आती है, आप किस रूप में पहन रहे हैं। जैसे पहले पुरुष कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, केवल एक जो है अंगोछा या गमछा टाइप रखते थे, कमर के नीचे के हिस्से में वो वस्त्र पहने जाते थे, सर पर हमेशा पगड़ी रहती थी, या उस तरह से जो है वो मगध साम्राज्य में तुम देखोगे कि वो बंध बांधते थे। तो अगर एक सभ्यता ऐसी है जिसको वस्त्र का ज्ञान नहीं है, जो बुनने का ज्ञान नहीं जानता, जिसको रंगों का ज्ञान नहीं है, तो ये सभ्यताओं के विकास का क्रम होता है। बड़े बहुत ध्यान से इसको समझना, और ये डिजाइन पर अपनी कमांड होती है, समसामायिक जो है जानकारी होती है। जैसे पहले गांव में कोई ऐसे जींस वींस पहन के चला जाए, पहले कुत्ते नोच लेते थे, यह माना जाता बहुत गरीब आदमी है, इसको बेचारे को दो चार कोई घर से पुराना कपड़ा उपड़ा ला के दे देता है, बाबू ऐसे मत पहनो, ठीक है बहनी ऐसे मत पहनो, बहुत फटा फटा सा अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं होता गांव में कुछ ला के पुराना दे दिया, दे दो भाई बेचारे को, दे दो अपनी पुरानी वाली पैंट दे दो, ठीक है, तो वो ला के दे देते। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सुने बहुत महंगी मिलती है, मतलब जितनी ज्यादा फटी होगी उतनी ज्यादा महंगी मिलेगी। तो वक्त है, बदलता रहता है, ठीक है। नहीं संस्कृत वाली बात नहीं है, बात है कि अभी ये चलन में है, और सुने कि इसको फाड़ने में बड़ा पैसा खर्च हो जाता है, तो जितनी फटी जीन्स होती है उतना ही ज्यादा सो कॉल्ड नोन एज रग्ड जीन्स, ठीक है, किसी ने मुझे ज्ञान दिया इसको रग्ड जीन्स कहते हैं, तो वो और ज्यादा महंगी होती है, ठीक है। फोटो लगाते समय मैंने सेंसरशिप का बड़ा ध्यान रखा, नहीं तो बहुत से लोगों का तो अंदर बाहर सब कुछ क्लियर ही रहता है, तो यहां पे थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो उस समय काल के बारे में वस्त्र हमें बहुत कुछ बताते हैं कि वो समय काल की परंपराएं क्या थी, उस समय काल की चीजें क्या थी, ये हमें बहुत कुछ बताता है, राइट। चलिए इतिहास हमें और क्या चीज बताता है, हाउसेस पीपल लिव्ड इन, किस प्रकार के आवास में लोग रहते हैं, राइट। तो ये भी उस समय के कल्चरल सेगमेंट्स के बारे में, क्या लोगों को पकी ईंटों का नॉलेज है, घास फूस में रह रहे हैं, क्या उनकी सभ्यता विकसित नहीं है, या इसके पीछे कोई पर्पज है, ठीक है, क्या वो एक तल्ले से ज्यादा के मकान में रह रहे हैं, क्या उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को बनाना आता है, तो ये भी बताता है कि उस साम्राज्य में उस संस्कृति में क्या इतनी एडवांसमेंट हो रखी है। तो हाउसेस पीपल लिव्ड इन, अपने कल्चरल सिस्टम को, अपने क्लाइमेटिक सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करते हैं। हाउसेस का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है वो क्लाइमेटिक सिस्टम यानी जलवायु तंत्र को अडॉप्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप कश्मीर में गए और आपने क्या किया, बढ़िया चौड़ी सी छत बनवा ली और फ्लैट वाली, बोले यार सुबह सुबह उठ के जॉगिंग वॉगिंग करेंगे, एकदम टहलेंगे और चिनार के पेड़ देखेंगे। अब पता चला रात में गिरी बर्फ, खूब धुआंधार, पता चला आपकी छत और आप दोनों लोग नीचे आ गए, टपक गए, क्योंकि वो छत जो है वो लोड नहीं ले पाएगी, तो वहां किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ढलवा छत की। तो ढलवा छत बताता है कि आपकी जो इंजीनियरिंग है, फर्स्ट इंजीनियर हमारा क्लाइमेट होता है, हमारी जलवायु होती है, तो आपने उस इंजीनियरिंग को समझा या नहीं समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो जहां पर वर्षा ज्यादा हो रही है, जहां बर्फ ज्यादा गिर रही है, तो वहां पर हम ढलवा छत देखते हैं ताकि वो पानी या बर्फ वहां रुके नहीं। जब आप मैदानी इलाकों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मिट्टी की दीवारों को लेप बड़े होते थे, उसके ऊपर गोबर का लेप होता था, तो ऐसा नहीं कि हम पिछड़े थे, ये तो अंग्रेज थे जो बकलोल जाके कुछ छोटा मोटा लिख के चले आए, उनको भारत समझ में ही नहीं आता था। तो वो क्या था, वो ये है कि गर्मी बहुत है, तो अगर हम ईंटे की पकी दीवारों का प्रयोग करेंगे तो वो जो गर्मी है वो क्या होगा, सिलिका यानी बालू के साथ वो एडॉप्ट होकर अंदर आ जाएगी, घर अंदर से गर्म हो जाए, जैसे आज के हमारे घर हैं।
लेकिन क्या हुआ, जो मिट्टी होती है और उसके ऊपर गोबर होता है, दैट इज अ नेचुरल इंसुलेटर, वो बाहर के तापमान को अंदर नहीं आने देता है। क्या साइंस था, क्या साइंस था। बाद में अंग्रेजों ने कहा नहीं तो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, गोबर के मकान में रह रहे हैं। अरे चचा तुम उस चक्कर में, एक तो तुम हमारे बत्ती लगा के वैसे चले गए, तुम तो टेम्परेट में रहते हो, तुम्हारे यहां ठंड ज्यादा पड़ती। अबे भैया हमारे यहां, हम उष्णकटिबंध के लोग हैं, ट्रॉपिकल, हमारे यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के बीचों बीच से गुजरता है। ये बाबा हमारे यहां 300 दिन तो गर्मी पड़ती है यार कुल मिला के, और भाई एसी चलाना पड़ रहा है आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग में। देखो उधर आज की खबर आई है, वो ग्रीनलैंड के ऊपर की ग्लेशियर पिघलनी शुरू हो गई है, बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। वो अंटार्कटिका की भी ग्लेशियर पिघल रही, तो भैया ये सारी गर्मी जो है एसी के बाहर का हमें ठंड मिल रही, पीछे तो गर्म हो रहा है मामला, तो हमें फंसा के चले गए। हमारा सीमेंट का घर बनवा दिया, गुप्पा टाइप का शीशे का घर बनवा दिया। तो क्लाइमेटिक सिस्टम, हाउसेस जो होते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर वो घास फूस का है तो पिछड़ा हुआ नहीं है, खपरैल का तो पिछड़ा हुआ नहीं है, वो इको फ्रेंडली सिस्टम है। अब जोहो अरबों रुपए की कंपनी है, अरबों उसका, अरबों डॉलर उसका वैल्यूएशन है। जोहो के मालिक एकदम जीरो एनर्जी मकान में रहते हैं, न्यूट्रल है, एनर्जी न्यूट्रल है, वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं, गोबर है, वो मीटिंग भी वहीं करते हैं, पूरा मकान मिट्टी का बना हुआ है, घास फूस का बना हुआ है, अरबों डॉलर कंपनी के मालिक हैं, पढ़ना कभी। तो इसका मतलब ये थोड़े ना पिछड़े हुए हैं, साइकिल से चलते हैं, गांव में रहते हैं, अरबों डॉलर की कंपनी, वहीं शांति से अपना दिमाग लगाते रहते हैं, काम होता रहता है उनका, राइट। नेक्स्ट, एंड गेम्स दे प्लेड, किस तरह के खेल वो खेलते थे। आ जाओ नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने हमें बहुत परेशान करने के लिए पूछा है, और यहीं से इतिहास का झगड़ा शुरू होता है। अगर आप ध्यान से इसको सुनना चाहेंगे तो इसको समझेंगे, ठीक है। और ये जितने लोग यहां पे वोटिंग चला रहे हैं वो सब बंद करो, ध्यान से सुनो, नहीं तो सरक जाएगा मामला। वो देखो शिका पूछ रही है कोई मेरी हेल्प करो वरना हमारी शादी करा देंगे मेरे पेरेंट्स। लो सोशल मीडिया पे क्या हेल्प करेंगे तुम्हारी इनसे इनकी तो हो नहीं रही है, तुम्हारी वो हेल्प कैसे करेंगे, पहले ये सोचो। इंसान को अपनी मदद खुद करनी पड़ती है और उसके लिए उसको रास्ता निकालना पड़ता है। मेरा एक नियम याद रखना कि मदद मांगोगे मदद नहीं मिलेगी, मदद दोगे तो मदद खुद तक आएगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया पे मदद कर ही पाते, मैं आधे पूछ रहे नई वाली पढ़े पुरानी वाली, बाल डाई करने की उम्र में ये डिसाइड नहीं हो पाया कि नई वाली पढ़े या पुरानी वाली, खरीदिए दोनों लाएंगे, पढ़ेंगे दोनों नहीं, न इनसे नई पढ़ी जाने वाली है ना पुरानी। आधे पूछ रहे इसमें नोट्स बनाए कि ना बनाए, आप जो लिखवा रहे हैं उसका पीडीएफ देंगे हम भी लिखें, तो अभी तो डिस्कशन ही चल रहा है, इनसे क्या मदद मांगोगे, ठीक है। बाल मन है, पवित्र मन है इनका, ये तो जीवन जीने के लिए आए हैं यहां पे, इंजॉय है इनका। करण ने लिखा सर आज व्यू बहुत कम आ रहे हैं। अरे भैया ये देश में चुटकुला कॉमेडी बकलोली इस पर व्यू आता है भाई मेरे, जिस देश में आपके आइडल्स अलग हो, शिक्षा विक्षा के चैनल पे कहां व्यूज आता है। सीरियस बात आपने कर दी, लड़का बोर हो गया, असली बात मत करो, उसको कहानी सुनाओ, उसको बताओ जो उसमें जा, डीएम बाने का घप से बैठ जाओ कार में, कार तुम्हारी, आंख बंद करके सपना देखो कार अंदर से उतर आएगी आईएएस वाली। तो ये जो सेगमेंट है ये सोशल मीडिया पे तुम जितना बकैती कर सकते हो अच्छे व्यू मिलेंगे, सीरियस बात आपने की, टू द पॉइंट बात की, मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, वन पास्टर मेनी, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, कि इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि हमारा एक ही अतीत है या कई अतीत है। अब इसका क्या मतलब हुआ, लिखो, हमारा एक ही अतीत है या कई अतीत है। तो यही मैंने डिस्कशन किया था, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब
अंग्रेजों ने कहा कि आर्य बाहर से आए, द्रविड़ियों को मारा पीटा और निपटा दिया। हमने पूछा, अगर भाई द्रविड़ सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता थी तो जब युद्ध युद्ध हुआ होगा तो मास ग्रेव्स हुई होंगी, कत्लो आगारत हुई होगी, तो मास ग्रेव्स कहां है? दिखाओ तो कहां है वो? तो सवाल है कि किसका इतिहास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज भारत में जो ये उठापटक हो रही है। सवाल है किसका इतिहास, क्योंकि भारत एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता में कई लोग अलग अलग समय पर भारत में प्रवेश करते चले गए। जो आज ये हमारा विभाजन देखने को मिल रहा है ये इसी प्रश्न की वजह से मिल रहा है, और वो है किसका इतिहास। मुझे जैसे नेता आता है राजनीति करने के लिए तो वो क्या होता है, अपना एक समय काल में अपना इतिहास पढ़ ले, बोले हम लोग ऐसे थे, हमें ऐसे सताया गया, हमें ये अधिकार चाहिए, पकड़ाओ हमें, उसको लेके बैठ गया। कोई कह रहा हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा ऐसे, हमें ये पकड़ाओ। तो ये जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पास्ट और मेनी, एनसीईआरटी ने इसमें बहुत है, कि एक ही इतिहास है या कई इतिहास है, जिसको जो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी व्याख्या के आधार पर। इंटरप्रेट कैसे करते, इंटरप्रेट का मतलब होता है कि तुम उसको देख कैसे रहे हो, समझ कैसे रहे हो। तो एक बहुत जाने माने हिस्टोरियन हुए, उनकी किताब थी व्हाट इज हिस्ट्री, सी एच कार अपनी किताब के पहले ही पन्ने पे लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं कि एक जो हिस्टोरियन होता है, इतिहासकार होता है, ठीक है, अब चूंकि बड़ी गंभीर डिबेट हो रही है तो जो हल्के मन वाले हैं, जो कॉमेडी ढूंढने के लिए यहां आए थे, वो अब रुखसत हो लें, बहुत देर यहां रुक चुके, वो रुखसत हो लें, घर जाएं, आराम करें, विचार करें, नई पढ़ें, पुरानी पढ़ें, आज पढ़ें, कल पढ़ें, बुढ़ापे में पढ़ें, जवानी में पढ़ें, इस तरह के चीजों को जो है वो आप बात करिए। अब बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, सी एच कार का स्टेटमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, इनकी किताब का टाइटल ही है व्हाट इज हिस्ट्री। तो उन्होंने बताया कि दुनिया भर में किस तरह से इतिहास का प्रयोग करके बड़े बड़े युद्धों की रचना की गई है, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि इंटरप्रिटेशन, उन्होंने एक लाइन बोली, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, उन्होंने कहा इतिहासकार हिस्टोरियन एक फिशरमैन की तरह होता है, मछली मारने वाले की तरह होता है। वो बाजार से मछली लेकर आता है या तालाब से मछली लेकर आता है और मछली की कई डिश वो तैयार कर सकता है बेस्ड ऑन देयर चॉइस, मूड, क्या खाने का, तरी वाला खाने का मन है या जो है वो भुना हुआ खाने का मन है या तंदूरी खाने का मन है, उसको जैसा मन है। यानी हिस्ट्री के जो फैक्ट्स होते हैं वो उस फिश की तरह है, लेकिन हिस्टोरियन उसको अलग अलग डिश के रूप में पका सकता है। ये बड़ी गहरी बात कही गई है, यानी भारत का इतिहास लिखने वाले जो लोग थे, चाहे वो अंग्रेज रहे हो या अंग्रेजों के चाटुकार दरबारी हिस्टोरियन रहे हो, जिन्होंने भारत राष्ट्र की परिकल्पना को ही इनकार कर दिया था, भारत की संपूर्ण संस्कृति को उन्होंने काल्पनिक बता दिया था, वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि तुम भारत का इतिहास कैसा रखना चाहते हो, कैसा दिखा, कौन सी डिश तैयार करना चाहते हो। तो चूंकि अंग्रेज एक प्रभावशाली ताकत के रूप में आया और धीरे धीरे उन्होंने हमारा पूरा एक संपूर्ण पतन किया, हमारी एजुकेशन पॉलिसी को खत्म किया, और उससे पहले भी हमने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखे, तो इस कंडीशन में राइट यहां इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। तो उन्होंने अपने तरीके से रखा, उन्होंने बताया कि भारतीयों का तो सब कल्पना है, इनका तो कोई प्रमाण उमाड़ी नहीं है। कल जैसे मैंने डिस्कशन किया था कि वो न्यूटोनियन फिजिक्स वाले लोग थे, उनके यहां न्यूटन का फिजिक्स चलता था, और भारतीय जो है उन्हें भौतिकता से बहुत आगे निकल गए थे, वो क्वांटम लेवल पे पहुंच गए थे। तो क्वांटम लेवल वाले को न्यूटोनियन लेवल वाला कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूटन मैंने आपको साइंस कल बताया हिस्ट्री में, कल की अगर क्लास आपको समझ में आई होगी तो आपको बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज कर गए होंगे। तो वो कहते हैं कि प्रकाश इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, प्रकाश की गति से ऊपर कुछ है ही नहीं है, और हम इसके बियॉन्ड कुछ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया, और आगे चलकर उन्होंने एक ऐसी संस्थाएं तैयार की, ऐसे लोग तैयार किए जो उन्हीं की परंपरा में लिखते, उन्हीं की किताबों से कॉपी करके रेफरेंस लेके और धड़ाधड़ भारत को बताए, भारत कभी रास्ता ही नहीं, भारत में राष्ट्रीयता की कोई बात ही नहीं, तो आचार्य चाणक पता नहीं क्या कौन सी अखंड भारत की बात करके चले गए थे, बेचारे पूरा अखंड भारत बना भी डाले, और इनको समझ में आता है कि भारत का भी राष्ट्र था ही नहीं, बताओ इन बकलोलों को समझाए कौन। और इन्होंने इस झूठ को इतनी बार बोला, इतनी जगह बोला कि हम भारतीयों को विश्वास होने लगा।
अरे तो कम से कम आचार्य चाणक्य ने क्या किया, ये कहानी बचपन है, हर किसी को पता है। सबसे पहले उन्होंने भारतवर्ष को कहा कि भारतवर्ष को ताकतवर होने के लिए भारत को अखंड होना जरूरी पड़ेगा। अच्छा, तो ये राष्ट्र की परिकल्पना नहीं थी, ये भारत शब्द की परिकल्पना नहीं थी, तो था क्या ये? ये बकलोल उल्टी सीधी बातें लिखते हैं कुछ भी। तो क्या है हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, जैसे मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज, बताया गया, उठ रहे हैं पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी का समय अकबर के समकालीन था, तब तक तो हमारे पश्चिम में रिनासा विनासा अंगड़ाई ले रहा था। तो कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आपने भी पढ़ा होगा, आज जाके कैलकुलेशन करो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। आज हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से जो है यूनिट से हम नापते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती। जरा छोटी सी बात करो, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। मैं प्रूव करके दे रहा हूं, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, भानु यानी सूर्य, तो पृथ्वी से युग सहस्त्र जोजन, तो जो आप विकिपीडिया पर जाकर युग का मतलब 12,000 वर्ष दिया, 1,20,000 होता है, सहस्त्र 1,000, 1,20,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई करो, फिर योजन 8 माइल्स उसको कैलकुलेट करो, किलोमीटर में निकालो उसको, तो 1,20,000 गुड़े 1,000 गुड़े 8 माइल्स उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो और देखो कि कितना आ रहा है। जो तुम अभी कैलकुलेटर करो, अपने फोन से उठाओ और कैलकुलेट करके दिखाओ, कितनी बार तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जानू, कि हनुमान जी सूर्य को देखते हुए उड़ गए पृथ्वी से। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने ये भी बताया कि कितनी दूर वो सूर्य था। युग सहस्त्र, युग हम काल को देखते हैं, तो प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर रहा है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो वे यार वो लाइट ईयर है तो ठीक है, यानी हम लाइट को भी डिस्टेंस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो युग टाइम 1,20,000, सहस्त्र जोजन पर भानु यानी सूर्य इतनी दूर है, उनको कैसे पता चला? देखो ध्रुव ने निकाल दिया, और जरा के इंटरनेट पे चेक करो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। कितनी है निकालो। तो कैसे गोस्वामी जी को कैसे पता था, जरा तुम मुझे बता दो। अगर हम भारतीय वैज्ञानिक थे, हम कहानियां सुनाते थे, हम सिर्फ कथाएं कहते थे, तो गोस्वामी जी को एग्जैक्टली कैसे पता था युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीले उताहे मधुर फल जानू। हम रोज हाथ जोड़कर सुबह शाम बजरंग बली पास करा दो, यूपीएससी हमें निकलवा दो, प्री निकलवा दो प्रभु, इसी चक्कर में पड़े रहते, बोर्ड इन्हीं चक्कर में तुम्हारा 10वीं 12वीं का किसी तरह खींच खींच के निकला है। कभी जाने की तुमने पढ़ा क्या? विज्ञान हमारी भाषा हमारे जीवन शैली में था। कहां लिखा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे? ये बात तो 19 सेंचुरी में जाकर जो है वेस्टर्न साइंस को पता चली। कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को पता? और उन्होंने अपना बेस जो है वो रामायण से लिया है। कैसे था? आप मुझे बताओ क्या ये कैलकुलेशन सही है? कैसे हमें चीजें पता थी, साइंटिफिक चीजें हमें कैसे पता थी? तो इसका सीधा सा मतलब है, ये जो हमारा अतीत जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक एक राष्ट्र के रूप में हम नहीं जाएंगे। और जब राष्ट्र विखंडित हो जाता है, अबे नौकरी करोगे किसके यहां जब राष्ट्र ही नहीं रहेगी? तो नौकरी करोगे किसके यहां जब राष्ट्र ही पीछे रह जाएगा? तो अफ्रीका के देश देखो, उनके तो जीवन का एक ही मकसद है, खाने के लिए मिल जाए, वो पूरी लाइफ नहीं जी पा रहे अपनी। और अमेरिकन्स और ब्रिटिश लोग जो हैं, एक हफ्ते में इतना खाना फेंक देते हैं, उनके फ्रिज में खराब हो जाता है, जितना अफ्रीका के 30 देशों को खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। सोच के देखो डिस्पैरिटी। नेक्स्ट वन, इतिहास अलग अलग नजरिए से होता है। राजाओं के लिए इतिहास अलग होगा, किसान के लिए अलग होगा। फ्रॉम फार्मर्स टू किंग, देखो राजा और किसान के लिए अलग अलग इतिहास, उनका नजरिया है, कौन क्या देख रहा है।
फ्रॉम मर्चेंट्स टू क्राफ्ट पर्सन, व्यापारी से शिल्पी तक, व्यापारी से शिल्पी तक, इन सभी के लिए इतिहास एक अलग अलग रूप में हमारे सामने आता है, राइट दोस्तों? अब सवाल है, इतिहास की फाइंडिंग्स यानी इतिहास के साक्ष्य ढूंढे कैसे जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इतिहास की साजिशों की क्लास में शुरुआत की, और वो शुरुआत ये थी कि हमारी सभ्यता का जो वास्तविक नाम था वो सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, और मैंने आपको लॉजिकल बताया था कि पूरी जो सभ्यता का विस्तार क्षेत्र था, और अभी तो और भी मिलेगा, वो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, राइट? 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, उसमें 70% जो क्षेत्र था वो सरस्वती नदी के किनारे था, जिसको इंडो ब्रह्म भी कहा गया है, और 25% सिंधु नदी के किनारे था। तो उन्होंने ऐसा क्या, उन्होंने कौन सी मैथमेटिक्स है कि 75% जिस सभ्यता के किनारे उसका नाम गायब कर दिया? हर किताब में लिखा होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, सिंधु घाटी सभ्यता। ए भैया, 75% सरस्वती नदी के किनारे, तो वो कहां गई तुम्हारी? तुम्हें क्यों शर्म आ रही है उसका नाम लेने में? और तुमने क्या गायब कर दिया? और जो नदी पहाड़ों के बीच से दर्रा काटते गुजर रही है, जिसके पास प्लेन कम है, उसके आधार पर तुमने सभ्यता का नाम रख दिया। वाह, वंडरफुल। तो जो इतिहास लिखा जाता है, सबसे पहले साक्ष्य ढूंढता कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। और शुरुआत में कौन कौन आर्कियोलॉजिस्ट थे? मैक्स बुलर, मल्टीपल वीरर, ठीक है, ये जेम्स, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। मल्टीपल व्हीलर से जब पूछा गया, जब मैक्स मुलर ने बताया कि भाई आर्य बाहर से आए और ये यूरोप से आए, सभ्यता वभ्यता उन्नत थी, यहां के द्रविड़ीय लोगों को मारा वारा भगा के किनारे कर दिया, उन्हीं को दास बना लिया, ये गोरे लोग थे, श्वेत वर्णी थे, वो काले लोग थे, ये इनको गोरा काला ही समझ में आता है विदेशियों को, सुनना। तो उनसे पूछा गया कि भाई जब लड़ाई वड़ाई हुई होगी तो हत्याएं भी हुई होंगी, लड़ाई में मृत्यु होती है, तभी तो एक सभ्यता दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेती है। तुम कह रहे थे कि हड़प्पा वाले शहरी थे, वैदिक वाले ग्रामीण, अभी भी किसी भी किताब में उठा के देख लो, NCERT में लिखा है, कहीं भी ल्यूसेंट फ्यूसेंट कुछ भी उठा लो, उसमें लिखा होगा वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, पहला ही वर्ड यही होता है। और हड़प्पन सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता, अर्बन कल्चर है। तुमने पढ़ा होगा एक ग्रामीण सभ्यता आती है और एक एडवांस शहरी सभ्यता में उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, लड़ाई होती है, लेकिन मरता कोई नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जब मरेगा तो मास ग्रेव्स मिलेगी, कब्रें मिलेंगी, कंकालों के ऊपर चोट के निशान मिलेंगे। तो बोले, तुम कह रहे थे ना वो बाहर से आए हैं, ये दोनों सभ्यता एक दूसरे की विरोधी हैं। बोले हाँ। तो बोलता, मास ग्रेव्स कहां है? तो आर्कियोलॉजी क्या करता है, वो एविडेंस ढूंढता है, वो नहीं होता खुदाई उदाई करते हुए कुछ निकलता उगलता रहता है। तो तुम्हें पता है भारत का इतिहास, जो ये इतना गड़बड़ इतिहास लिखा, उसको जब कुछ नहीं मिला तो दो कंकाल मिले उसको, खाली दो स्केल्टन मिले, और उस दो स्केल्टन पे चोट के कुछ निशान थे, हड्डी के ऊपर जो है रिब्स के ऊपर चोट के निशान थे। उसने पूरा इतिहास लिख दिया भारत का कि यहां पर संघर्ष के निशान पाए गए, द एविडेंस ऑफ स्ट्रगल। बाद में भी आधुनिक समय में उसकी दोबारा कार्बन डेटिंग हुई हो, तुम्हारा जो है उसको स्कैन किया गया, पता चला कि वो उनके जीवन काल में, जैसे किसी इंसान को चोट लग गई, हड्डी वड्डी में चोट लगे, उसके बाद भी वर्षों तक जीवित रहे, वो संघर्ष के निशान नहीं थे। हमारा इतिहास ऐसे लिखा गया है, हमारा इतिहास ऐसे लिखा गया, दो कंकाल मिल गए जो आपस में लड़के नहीं मरे थे, उनके बेस पे सिद्ध कर दिया गया कि आर्य बाहर से आए थे, ये उनकी सभ्यता थी, उनकी उच्च भाषा थी जो हम भारतीयों ने सीखी। वेरी गुड, नेक्स्ट वन, फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरियस इन बैटल। दूसरा होता है कि इतिहास वही लिखता जो जीतता है, अंग्रेजों ने बिल्कुल वही बात कही, इतिहास किसका? विजेता का। तो हमारे ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया, हमारी हिस्ट्री की बुक चेंज कर दी, हमारे लोगों को नौकरी देने के नाम पर, नौकरी का ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, हमारे कोई नौकरी वोकरी थोड़ा करता था, हमारे सब स्किल्ड थे, अपना काम करके फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे। फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरियस इन बैटल, तो जो जीत गया है वो अपना इतिहास लिखता था,
तो अंग्रेजों ने पूरा कब्जा वब्जा करके सबसे पहले इन्होंने बनाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, तो उसमें इविडेंस इन्होंने रखे। लेकिन इन्होंने वही रखा जो विजेता चाहता था कि इतना ही होना चाहिए। सीमा कुमार, अगर इंडियन हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो न्यू NCERT बुक्स क्यों नहीं बना रही गवर्नमेंट? क्या नहीं बना रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रही है। तुम ये बताओ देश में सबसे ज्यादा किस पे बवाल होता है? हिस्ट्री, NCERT हिस्ट्री बवाल होता है। जो गवर्नमेंट आती है उसको अपने हिसाब से चेंज कर देती है। बवाल इसी पे तो है। नेक्स्ट वन, किंग ऑर्डर्स, राजा आज्ञा, राजा प्रशस्ति लिखवाते थे। अशोक के शिलालेखों से पता चला कि अशोक का शासन कैसा था। कभी तुमने अशोक के यहां पर किसी बंदे से पूछा, हे भाई कैसा था तुम्हारे यहां? तो राजा के क्या आज्ञा है, समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों से पता चलता है, फलाने से पता चलता है। तो राजा अपने बारे में काहे निगेटिव लिखवाएगा? कभी तुम लिखवाओगे क्या? बोले हमारे सब सुखी। बोले हाँ लिखो पत्थर पे। तो एक आदमी बोले गले से माला निकाल के दे दिया, ले जाओ भाई, ले जाओ खुश रहो। तो ये भी हिस्ट्री एविडेंस इज करेक्ट। तो आप एक्चुअली क्या देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, प्रशस्ति पत्र, तो इनसे पता चलता था कि उस समय का शासन प्रशासन कैसा था। अब जैसे कुछ लोग परेशान है कि हम अपना इतिहास क्यों नहीं लिख सकते। तुमने लोगों ने इतिहास की साजिशें वाली किताब वो पढ़ी नहीं क्लास, वो पढ़ लेते तो मैं सब कुछ पता है। उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि इन्होंने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे सारे जो बुक्स टेक्स्ट थे उनको चुराया और चुरा के अपने यहां लेकर चले गए। हमें सिखा दी अंग्रेजी कि तुम इंग्लिश पढ़ो, तुम पढ़ो राजा रानी के क्या फायदे हैं, ब्रिटिश शासन के भारत में फायदे, वो हमें वो पढ़ाने लगे। हमें बताया कि देखो व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश, व्हेन यू कैन वॉक इन इंग्लिश, व्हेन यू कैन वियर दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स, यू विल बी मॉडर्न। वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, हमें ये सिखाया। तुम गर्मी के मौसम में भी ना टाई वाई गले में लगा के पहली बार ऐसे निकल के घूमते रहते थे टाई वाई गले में टांग के। अंग्रेजी बोलने का तो हमें ऐसा चस्का लगा पड़ा है कि हम कहां तक अंग्रेजी बोल जाए हमें खुद ही नहीं पता। अंग्रेज फेल, आई मेक अंग्रेज फेल इन अंग्रेजी। तो देर लॉट फोबिया है, मुंह टेढ़ा करके बात करनी है। देखो कितना गर्व महसूस होता है, ओ माय गॉड मेरा तो हिंदी बहुत वीक है, मेरे से तो लिखा। अब मैं कितनी कॉपियां चेक कर रहा हूँ, सर पटक ले रहा हूँ। अबे भैया यूपी बिहार का बच्चा हिंदी में वर्तनी की गलती कर रहा है, उसको छोटा ही बड़ा ही नहीं पता भाई। मेरे पास अभी मैं आया, एक ने लेटर लिखा कि मुझे ये और सुविधा चाहिए। मैंने उसके लेटर में पहले 25 के गोले मारे कि भाई तू लेटर तो सही लिख ले, आई इसकी तैयारी कर रहा है। और लगभग अगर 10 कॉपी चेक कर रहा हूं तो 10 में से 9 कॉपी में वर्तनी की मिस्टेक है। कहां छोटी की मात्रा लगनी, कहां बड़ी की मात्रा लगनी है, अंग्रेजी में वीक है। वो कहते हैं सर मेरा अंग्रेजी बहुत वीक। अरे तो हिंदी तो ठीक कर लो मेरे भाई, तुम्हारी हिंदी कौन सी स्ट्रांग पड़ी है कि तुम जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की दूसरी कविता का जो है रचना करोगे। ये हालत है, पढ़ के सुना दूंगा, उसमें इतनी गलतियां हैं, यही नहीं समझ में आता कि हाँ बड़ी क्या होगी, छोटी क्या होगी, छोटा ऊ लगेगा, बड़ा ऊ लगेगा, षटकोण वाला सा और बड़ा सा और छोटा सा में अंतर ही नहीं पता। षटकोण सा होता क्या है इनको तो पता ही नहीं जरा। तो हम बड़े फ्यूजन से गुजर रहे यार, ये स्थिति है। हाँ सर जो ये दांत चियार रहे यहां पर बैठ के ना, तुम अभी खुद लिख के दोगे तो तुम्हारे में भी यही निकलेगा। तो पूरब को लिखते पूरब, छोटा ऊ की मात्रा पूरब हो गया इनका, ठीक है। इनकी ऊर्जा में जा के ऊपर रा नहीं लगता है, ऊ र जा लगता है इनसे, इनसे आधा रा और पूरे रा में इनका जो पुर हो जाता है, बड़ी दिक्कत है इनके साथ। तो ये जो है ये बड़ा एक फ्यूजन सेगमेंट हमारे साथ, ये उसी समय से शुरू हो गया था, 1835 से शुरू हो गया था। हिस्ट्री में तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। तो जब हमारा ही हमारा कुछ नहीं है तो हम खोजेंगे क्या अपने बारे में? अरे प्रश्न तो वो पूछता है जो जागरूक होता है, हम तो सोए हुए हैं। हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में क्या पता? हमें बताया गया कि वो महान है, हमने कहा महान है। बोला वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। बोले हाँ जो गांव में आदमी कमोड लगा के घूम रहा भाई, और अंग्रेज अपने यहां रिसर्च पेपर दे रहे हैं कि हाउ टू पू प्रॉपरली लर्न फ्रॉम इंडियंस, कैसे पॉटी करें ये इंडियन से सीखे, ये रिसर्च पेपर आया हुआ है भाई कि वो वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक है, ये ब्रिटेन वाले अपने यहां बता रहे हैं। तुम मजाक समझ रहे हो?
तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है हमारे लिए। तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमें पूछना क्या है, तो हम पूछेंगे क्यों? अब एविडेंस कौन ले गया? तुमने देखा होगा उनके यहां एक लंदन म्यूजियम है, तो अभी ना बघनखा हमारा कुछ दिन के लिए वापस आ रहा है, जिसमें शिवाजी ने मारा था दुश्मन को, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है हमारे पास रहता है, तो वो सब कुछ हमारा चुरा ले गए, तो तुम इतिहास लिखोगे कैसे? और जो बच्चा कुछ ज्यादा तोड़ फाड़ के किनारे कर दिया, तुम्हें फंसा दिया। तो इतिहास लिखने के लिए एविडेंस भी तो चाहिए, तो जैसे उन्होंने हमारे साथ किया वही हमें करना पड़ेगा। उन्होंने एक कहानी बनाई और कहानी को इतने तरीके से बोला, इतनी जगह बोला कि हमें वो कहानियां सच लगने लगी, और हमारे जो साक्ष्य थे वो गायब हो गए। हमें लॉजिकल क्वेश्चन पूछने होंगे, और अब पूछ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है तुम मत सोचना कि बदलेगा नहीं, समय लगता है लेकिन बदल रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं जा पा रहे तो सोशल मीडिया के थ्रू घुस रहे हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं और क्लास को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जुड़े रहिए एनसीईआरटी आंदोलन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों इसमें चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जो लोग अब जुड़ना चाहते हैं, दिए गए जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, जुड़िए आगे बढ़िए और इस कक्षा को लेकर और आगे बढ़ते हैं, और पीवी सर के साथ एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आप इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, और इस तरह से नोट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, मज़ा आया। तो और भी नई नई चीज़ें हम समझते जाएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट, जो दरबारी कवि या जो लिखवाए जाते थे वो चीज़ें, उसके मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं। ठीक है, किसी ने पूछा हमारा है कोहिनूर हीरा कब आएगा? अबे जाके मांगोगे उसको, बोलो तो हमारा है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा है, तुम जाके उसको बोलो ना कि तुम महारानी नहीं हो तुम जो कोई सामान चुरा लेता हमारे देश में तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलो तो, तुम तो उसको मालिक बांध रहे हो। एग्जाम्पल दें तुम्हें, कितने तुम स्वामी भक्त हो, कितने तुम जो है देशभक्त हो, हैं? कहीं रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, एक विदेशी पहुंचता है, आइए सर, प्लीज वेलकम सर, कुर्सी खींच के बिठा देते हो। अब कोई, अभी कल का एक केस हुआ था ना, एक धोती कुर्ता पहने आदमी जो है वो कार के शोरूम में चला गया था मर्सिडीज के, उसको ऐसे देख रहे थे जैसे दूसरी दुनिया से। बताओ, धोती कुर्ता पहना वो आदमी इस देश में वो दूसरी दुनिया का आदमी हो गया, उसको ट्रीट ही नहीं कर रहा, वो पूछ रहा है कार की कीमत क्या है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तुम्हारे देश की हालत है। अभी सूट बूट पहन के, हाय बॉय क्या है टुमारो, चाय पिलाएगा क्या, चाय में बिस्कुट डुबो के, तब ये जब बोले तो वाह वाह यार बहुत बढ़िया, बहुत अंग्रेजी बहुत बढ़िया जानते, ये यहां से गुलाम है हम यार, कहां की बातें कर, क्या जाके उसको बोलो कि तुम चोर हो, दो हमारा सामान। वो कहता है कि आई एम द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेसी, आई एम फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड कल्चर, आई एम वाइट सुप्रीमेसी। निकालो सबसे खराब वाला जूता जो बहुत फटा हो, बहुत बदबू आ रही हो, उससे मारो। बोले अबे हमारा सामान है ये, हमारा, तुम सभ्यता हमारा इतिहास चुरा के लेके गए हो, सामान नहीं है, हमें लगता है कि भारतीयों के सामान चुरा, अबे तुम्हारा इतिहास चुरा के लेके चले गए। और इतिहास क्या होता है? इतिहास जड़ होती है हमारी, हमारे रूट्स हैं वो, और जड़ बिना क्या हो, पतंग से डोर से तोड़ दो उसको, पतंग गायब खत्म हो जाती है।